नमस्कार दोस्तों, आज हम जानकारी लेंगे सहजन या मूंगा की खेती के बारे में। तो कैसे की जाती है इसकी खेती, किस किस प्रकार के बीज मिलते हैं, किस तरह की ज़मीन या मिट्टी इसके लिए बेहतर है, इसको लगाने का सही समय क्या है, इस तरह के कई सवाल आपके मन में होंगे। आज इस वीडियो में आपके उन्हीं सारे सवालों के जवाब मैं लाया हूँ, तो आखिर तक देखिए ये वीडियो। शुरुआत करने से पहले इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और आपको कोई भी सवाल हो हमें व्हाट्सएप ज़रूर कीजिए या फिर हमें कॉल कीजिए। हमारा नंबर है 7588610001। तो शुरुआत करते हैं पहले सवाल से कि किस किस प्रकार के सहजन या मूंगा खेती के लिए लगाए जा सकते हैं। वैसे तो हमारे देश में विविध प्रकार के स्थानीय किस्म के सहजन पाए जाते हैं, और उन सब के नाम भी वहाँ के स्थानिक जगह के नामों से जुड़े हैं। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसा स्थानीय किस्म जो आजकल महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और बाकी राज्यों में भी बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। आपने भी इसका नाम ज़रूर सुना होगा। तो हम बात कर रहे हैं ओडिसी नाम के सहजन की। आपकी जानकारी के लिए ये भी बता देता हूँ कि ओडिसी और ओडिसी तीन में कोई अंतर नहीं है, ये बस मार्केटिंग के लिए लोगों ने अलग अलग नाम दे के रखे हैं। आइए लेते हैं ओडिसी प्रजाति के बारे में थोड़ी सी जानकारी। ओडिसी ये नाम तमिलनाडु के एक गांव ओडम छत्रम से मिला है, जहाँ की ये स्थानिक प्रजाति है। ये प्रजाति एक बार लगाने पे आपको 7 से 10 साल तक उपज दे सकती है, लेकिन उसके लिए आपको 100% आनुवंशिक शुद्धता जिसमें हो ऐसा ओडिसी बीज लगाना जरूरी है। अंत में आपको ये भी बताऊंगा कि ये बीज आपको कहाँ मिल सकते हैं। अब देखते हैं किस प्रकार की ज़मीन इसकी खेती के लिए सही है। सहजन की खेती के लिए आप ऐसी ज़मीन का चुनाव चुनाव करें जिसका पीएच 5.5 से 8 के बीच में हो। मिट्टी चाहे कोई भी रंग की हो, लाल, पीली, काली, भूरी, सफ़ेद, ये मायने नहीं रखता, लेकिन उसका पीएच 5.5 से 8 के बीच में होना बेहद ज़रूरी है। नहीं तो बीज ठीक से ना उगना या कम उगाना, पौधे ठीक से ना बढ़ना या फिर पौधे मर जाना, ऐसी कई दिक्कतें आ सकती हैं। अगर आपके इलाके में बारिश ज़्यादा है या फिर आपकी ज़मीन काली और चिकनी है जो पानी पकड़ के रखती है, तो ऐसी ज़मीन पे बीज लगाने से पहले आप 3.5 से 4 फीट चौड़ाई बेड बनाए और उस पे बीज बोए, और पौधे उगाने पे उसके आसपास मिट्टी से सहारा दें। अब देखते हैं सहजन लगाने का सबसे सही समय कौन सा है। अगर आपकी ज़मीन पानी का जल्दी निकास करने वाली किस्म की है तो अप्रैल से जुलाई 15 के बीच में आप लगाएं, या फिर ज़मीन अगर पानी पकड़ के रखने वाली चिकनी है तो बारिश का सीज़न ख़त्म होने के बाद तुरंत, या फिर सितंबर के आखिरी हफ्ते से लेकर अक्टूबर के पहले हफ्ते तक सही समय है। अब देखते हैं कि बीज बोना सही है या फिर पौधा या चारा लगाना। ज़मीन में सीधा बीज बोना कभी भी अच्छा है, क्योंकि सहजन का पौधा रोपण करने के बाद उसकी जड़ें जमने में 1 महीने तक का अवधि लग सकता है। इस दौरान पौधे पीले पड़ना, पौधों का ठीक से ना बढ़ना, बारिश और हवा से पौधे ज़मीन पे गिर जाना, ऐसी कई दिक्कतें आ सकती है। तो कोशिश कीजिएगा कि सीधा बीज बोएं। एक जगह पे आप 2 बीज भी बो सकते हैं। अगर एक उगना आए तो, या फिर उगाया हुआ पौधा कमज़ोर हो तो आप उसको निकाल के दूसरा वाला रख सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, एक जगह पे एक ही पेड़ लगेगा। दोनों पौधे अच्छे हो तो उसमें से एक ही आपको रखना है और दूसरा निकालना ही निकालना है। दोनों रखने की गलती नहीं करनी है। बीज उपचार कैसे कर सकते हैं आप? बीज बोने से पहले एक दिन पहले शाम को 1 लीटर पानी में 50 मिली पंचगव्य मिला के उसमें सहजन के बीज 1 से 2 घंटे तक भिगो के रखें। अगर आपके यहाँ पंचगव्य ना भी मिलता हो तो कोई बात नहीं, आप इसको गर्म पानी में 1 से 2 घंटा भिगो के रख सकते हो। उसके बाद ये भीगे हुए बीज एक सूती कापड़ में बांध के रात भर लटका के रखें। दूसरे दिन सुबह इसमें एजोस्पिरिलियम और फॉस्फोबैक्टीरिया, इन जीवाणु पाउडर या लिक्विड इसमें मिक्स करें और बीज को अच्छे से लगा लें। ये पाउडर आपको
आसपास के किसी भी खाद दुकानदार के पास मिल सकती है। बुआई से पहले यह बीज छांव में आधा या 1 घंटे तक सुखा के फिर लगाएं। अब इसमें देखते हैं कि बुआई की समय कितना अंतर रख सकते हैं आप, दो पेड़ों के बीच में या दो लाइन के बीच में कितना अंतर रखना सही है। अगर आपकी जमीन कम उपज देने वाली है, बारिश और पानी की कमी है, तो प्रति एकड़ आप 1200 पेड़ लगाएं, यानी 6 बाय 6 पे। और अगर आपकी ज़मीन अच्छी उपज देने वाली है, गर्मी के सीज़न में भी पानी की अच्छी व्यवस्था है, तो आप एक एकड़ में 800 पेड़ लगाएं। तो उसके लिए आप 10 बाय 5 या 10 बाय 6 या 12 बाय 5, इसमें से कोई भी अंतर रख सकते हैं। इसमें आप दूसरे फसल का सहरोपण भी कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए वह फसल सहजन की लंबाई से कम हो और सहजन की लाइन में ना हो। कोशिश कीजिए कि सहजन से 2 से फीट दूरी पर हो, ताकि सहजन को बढ़ने में कोई दिक्कत ना आए। ओडिसी सहजन को साल में 2 बार फली लगती है। पहली कटाई बीज बोने के बाद 7 से 8 महीने बाद मिलती है, और उसके बाद हर 5-6 महीने बाद कटाई मिलती जाती है। एक पेड़ को कम से कम 220 से 250 फली लगती है, और हर एक फली का वजन कम से कम 100 ग्राम पकड़ के भी चला तो एक पेड़ आपको 20 से 25 किलो तक फली दे सकता है। तो ये थी आज की जानकारी। अगर आप सहजन या मूंगे की खेती में दिलचस्पी रखते हैं और उसके लिए बीज ढूंढ रहे हैं, और उसके अलावा भी आपको सहजन के बारे में कोई भी सवाल हो, आप बिल्कुल हमें संपर्क कीजिए। आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर मैं आपको फिर से बता देता हूँ, 7588-6100001। मिलते हैं जल्दी सहजन की छटाई, खाद व्यवस्थापन और बाकी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। उसके लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करें। हमारे साथ आखिर तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।